दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और टेक चला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो दोस्तों बहुत ही धांसू होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो यूट्यूब में ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक फ्री बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर को चाह रहे हैं दोस्तों, और वो आपको मिल नहीं रहा है। सबको पता है दोस्तों, OBS एक ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के मामले में बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना जाता है उसको। और इसमें दोस्तों ये फ्री ओपन सोर्स होते हुए भी दोस्तों इस स्क्रीन रिकॉर्डर में ऐसा ऐसा फीचर्स दिया गया है जो प्रोफेशनल स्क्रीन रिकॉर्डर में भी ये फीचर्स नहीं है। दोस्तों, इसमें आप लोग वॉइस रिकॉर्डिंग, वेब कैम रिकॉर्डिंग एंड फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर तो सकते ही है, लेकिन आज का जो ये ट्यूटोरियल है दोस्तों, इस ट्यूटोरियल के खास बात है इसमें आपको दो चार एक्स्ट्रा टिप्स मिलेगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों ऐसे तो OBS के ऊपर यूट्यूब में भर भर के ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है। आप लोग हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज में आप OBS का ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं, लेकिन आज का जो ये ट्यूटोरियल है दोस्तों, ये इसमें आपको दो चार शायद ही यूट्यूब में किसी ने ऐसा ट्यूटोरियल बनाया है दोस्तों। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज का ये ट्यूटोरियल में हम आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो OBS का सबसे बेस्ट सेटिंग बताया जाएगा लो एंड PC के लिए, जिसके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, जो लोग प्रोसेसर से या फिर सॉफ्टवेयर थ्रू रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, लो एंड PC है, उतना हाई कॉन्फ़िगरेशन PC नहीं है, उनमें से आपको बेस्ट क्वालिटी आउटपुट निकालने के लिए कौन सा सेटिंग करना होगा वो पहले आपको बताया जाएगा। दूसरा, इसमें से आप माइक्रोफोन और डेस्कटॉप दो अलग अलग साउंड कैसे इनपुट ले सकते हैं, मतलब मान लीजिए आप माइक्रोफोन, आपका एक माइक्रोफोन है, उस माइक्रोफोन से आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और जो बजेगा, मतलब स्पीकर, जो स्पीकर है, जैसे मेरे हेडफोन, इसके लिए मैंने अलग ऑडियो इंटरफेस लगा रखा हूँ इसमें, क्योंकि मैं म्यूज़िक का ट्यूटोरियल देता हूँ आप लोगों को पता है। तो अलग से अगर स्पीकर का जो ऑडियो है उसको भी अगर कैप्चर करना चाहते हैं तो आप कैसे वो कैप्चर कर पाएंगे दो अलग अलग डिवाइसों से, उसका भी सेटिंग बताया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, OBS स्क्रीन रिकॉर्डर में जूम इन का फंक्शन नहीं है दोस्तों, मतलब जूम इन जूम आउट आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना, दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर आपको चाहिए होगा। लेकिन मैं आज एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिसके मदद लेके आप OBS में भी, सिर्फ OBS नहीं, किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वो भी फ्री में, मतलब इसके लिए भी आपको एक पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात, कीबोर्ड शॉर्टकट भी OBS के अंदर नहीं आता है दोस्तों, तो इसके लिए भी जो प्रोफेशनल स्क्रीन रिकॉर्डर है, जो महंगा वाला जिसको आपको खरीदना पड़ेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, वो सब महंगा वाला स्क्रीन रिकॉर्डर आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन मैं आज एक तीसरा टेक्निक बताऊंगा, ऐसा टेक्निक जिसके मदद लेके आप अपना कीबोर्ड शॉर्टकट भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं थ्रू OBS दोस्तों। तो ये तो बेसिक, अब आते हैं जो धांसू, जिसके लिए ये ट्यूटोरियल सबसे खास होने वाला है, वो वाला पार्ट। दोस्तों VST के बारे में आप लोगों को पता है, जो लोग म्यूज़िक को लेके काम करते हैं, जो लोग डॉ को लेके काम करते हैं, उन लोगों को VST के बारे में तो जानकारी होगा। लेकिन आज जो OBS है दोस्तों, ये OBS VST को सपोर्ट करता है, और VST को कैसे इसमें इंस्टॉल किया जाता है, कि कैसे VST को OBS के अंदर अप्लाई किया जाता है, वो आज हम दिखाऊंगा, और कौन सा VST OBS के अंदर चाहिए आपको रिकॉर्डिंग के लिए, वो भी आज हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, छोटा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ सीखने के लिए थोड़ा लंबा वीडियो देखना पड़ता है दोस्तों। तो VST का मदद लेके हम क्या क्या कर सकते हैं वो एक बार जान लीजिए। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, ये एक वॉइस रिकॉर्डिंग है, ये थ्रू माइक में आता है, और सबके पास अच्छा वाला माइक नहीं होता है दोस्तों, किसी के पास वो सस्ता वाला माइक होता है जिसका रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं होता है, मतलब किसी में बेस तो एकदम ही नहीं आता है, सिर्फ ट्रिबल का साउंड आता है, या हाई जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी को अच्छे से कैच कर पाता है, लो फ्रीक्वेंसी को छोड़ देता है दोस्तों। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि कभी कभी अलग से एडिटिंग के टाइम में उसको बेस को थोड़ा सा बढ़ना पड़ता है, मतलब EQ करना पड़ता है दोस्तों। तो हम कैसे OBS के मदद लेके उसमें EQ कर सकते, माने मतलब पहले ही उसको EQ कर रखेंगे
ताकि जब हम बोलेंगे वो EQ के साथ रिकॉर्ड होगा और ज़बरदस्त वॉल्यूम रिकॉर्ड होगा दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों, VST में डीनोइज़र VST भी आता है, जिसमें जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आप पीछे थोड़ा सा नॉइज़ आप सुन सकते हैं इसमें, क्योंकि मैं अभी OBS के मदद लेके रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे एक सॉफ्टवेयर की मदद लेके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉइज़ कैंसलेशन कैसे OBS के थ्रू आप कर सकते हैं, मतलब प्री डिफ़ॉल्ट, मतलब वो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है दोस्तों, OBS के साथ आता है, दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर के साथ भी आप कर सकते हैं, दूसरे कुछ VST के साथ। लेकिन मैं आज दिखाऊंगा कि अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे आपका बात को जब स्पीकर द्वारा रिकॉर्ड करेंगे, तो जो बैकग्राउंड नॉइज़ है, एम्बियंट नॉइज़ है दोस्तों, वो नॉइज़ रिड्यूस्ड हो जाएगा, और वो कितना रिड्यूस्ड होगा ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं मैनुअली। तो ये दोस्तों आज का जो ट्यूटोरियल होगा, उस ट्यूटोरियल का मेन मुद्दा है दोस्तों। तो शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखते रहिए, किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिए, नहीं तो एक बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल आपसे मिस हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में और डेस्कटॉप स्क्रीन में और दिखाते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 2-3 सॉफ्टवेयर को आपके PC में इंस्टॉल करना होगा। वो सॉफ्टवेयर क्या क्या है वो आज हम आपको बताऊंगा। उसके साथ 2-4 VST भी इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों। आप लोगों को VST कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है और उसको कहाँ रखना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और उस बताने के बाद आप वो डाउनलोड करके उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा दोस्तों, आप वहाँ से उस लिंक से डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, VST को डाउनलोड कर सकते हैं। और कहाँ रखना है वो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम इसका जो ट्यूटोरियल होगा उस ट्यूटोरियल में बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जो 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो सॉफ्टवेयर में आपको दिखा देता हूँ, मेरे स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मैं इसको ऑन किया और पहले वाले आ जाएंगे दोस्तों, ये वाला। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ZoomIt का जो ऐप है वो आपको चाहिए। ZoomIt आप लिखेंगे यहाँ पर गूगल में जाकर, सिंपली ZoomIt टाइप करेंगे तो ये ZoomIt का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर ZoomIt डाउनलोड में जाइएगा आप, तो यहाँ पर ZoomIt का जो फोल्डर है वो खुल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर फ्री डाउनलोड में जाके आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये KB में आता है, 1 MB भी नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, जूम इन करने के लिए आपको काम में आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हूँ और ये इंस्टॉल भी नहीं होता है दोस्तों, ये सिर्फ रन करता है, मतलब ये एक टूल्स है, ये रन कर जाएगा तो ये मतलब ये काम करने लगेगा। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हूँ मेरे PC पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन आप दिख रहा है, ये है ZoomIt दोस्तों। यहाँ पर इसको एक बार रन करेंगे, ये रन करने के बाद दोस्तों ये ऑन हो जाएगा। और इसको अभी हम यहाँ पर जूम करेंगे तो दोस्तों ये जूम होगा, देखिए ये ZoomIt इधर ऑन हो गया है दोस्तों। यहाँ पर आप ZoomIt देख सकते हैं, ये ZoomIt कर रहा है। और दोस्तों ये एप्लीकेशन विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी काम करता है, मतलब अगर आप किसी भी जगह पे, ये एक मज़े का ऐप है दोस्तों, पता है अगर किसी जगह को आप जस्ट फन के लिए जूम करना चाहेंगे ना, तो इसका जो शॉर्टकट है Ctrl+1 दबा के आप विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप इसके साथ खेल सकते हैं। मतलब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई मतलब ये स्क्रीन रिकॉर्डर का टूल नहीं है, ये अलग सा टूल आता है दोस्तों, और ये विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डर हर जगह में काम करता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डर जब चल रहा है तब अगर आप जूम करेंगे किसी भी एरिया को, तो वो माउस की आसपास का एरिया जूम करके दिखा देता है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वक्त भी रिकॉर्ड हो जाता है दोस्तों। तो ये हम इसी सॉफ्टवेयर को लेके और OBS के मदद लेके दोस्तों हम OBS में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों वो है टाइपिंग टूल। टाइपिंग टूल क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला मैं फिर से जूम इन करके दिखाता हूँ, ये देखिए Karnak, ये Karnak आपको डाउनलोड करना होगा। इससे क्या होता है दोस्तों, आप कीबोर्ड में जो टाइप करेंगे वो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन में शो होगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे इसमें, और यहाँ पर ये Karnak है दोस्तों, ये Karnak का जो साइट है ये साइट खुल गया है अभी। और यहाँ पर देखिए डाउनलोड फॉर विंडोज़ में हम नहीं जाएंगे दोस्तों, हम गेट ओपन सोर्स में जाएंगे, और ओपन सोर्स में जाने के बाद ये एक ऑप्शन खुलेगा। और यहाँ पर देखिए ये जो रिलीज़ है, इस रिलीज़ में जाएंगे, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ZoomIt वाला ऑप्शन देखिए। तो ये देखिए ये रिलीज़ का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में हम लोग जाएंगे दोस्तों,
और यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ला दूँगा और यहाँ पर .exe फाइल होगा दोस्तों एक। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर जूम करके आपको फिर से दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए setup.exe, यहाँ पर जो ऑप्शन है setup.exe, इसी फाइल को आपको डाउनलोड करना है। ओनली 4 MB का है दोस्तों, ज़्यादा जगह भी नहीं खाएगा, ज़्यादा CPU भी नहीं खाएगा दोस्तों। इसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना होगा दोस्तों। मैं इधर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, इधर मैं आप देख सकते हैं, इधर ये ऑन हो गया। अभी अभी मैं देखिए कीबोर्ड में जो कुछ भी टाइप करूँगा वो सब आ जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए, मैं जूम करने के लिए किसी भी जगह पे जूम करूँगा तो उसके लिए मेरा जो कमांड है वो कमांड है Ctrl 1। तो Ctrl 1 दबाएंगे तो स्क्रीन में भी आपको Ctrl 1 दिखाई देगा। ये देखिए Ctrl 1 इधर लिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको देखा, यह जगह ऑप्शन में Ctrl 1 लिखा था दोस्तों। देखिए फिर से आ गया Ctrl 1, ये देखिए। तो इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे आपको कस्टमाइज़ करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए इसको खोल लेते हैं पहले इसको। ये खोल लिया और यहाँ पर ये देखिए, ये ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर इसको कुछ भी टाइप करेंगे तो वो लिखा हुआ आएगा दोस्तों। ये इस वाले ऑप्शन को मैंने सेट करके रखा था दोस्तों, को सेव करेंगे तो ये चला आएगा दोस्तों इधर। ये देखिए, इसको आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। बस यहाँ से मुझे चाहिए थोड़ा सा, जस्ट इसको आपको सेव करना है। ये जो नंबर है, ये नंबर भी आप देख सकते हैं। इसको जूम इन करके मैं दिखा देता हूँ, ये नंबर को, ये जो नंबर है इसमें से आपको सिर्फ नीचे वाला और सेकेंड वाला ऑप्शन को चेंज करेंगे तो ये 780 और 80 ये वाला ऑप्शन करेंगे तो दोस्तों ये मिडिल में आपको शो करने लगेगा। इधर आप देख सकते हैं Ctrl 1। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये भी ऑफलाइन काम करता है और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। इसको ऑन रखते ही आप कीबोर्ड में जो कुछ प्रेस करेंगे वो आपको दिखाएगा। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, मैं अपना चैनल का नाम लिखता हूँ तो देखिए देखिए यहाँ पर आपको टेक चला लिखा आया। मतलब कुछ भी आप टाइप करेंगे तो उसका ये दिखाई देगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम सेव करके इसको काट देते हैं अभी। अब दोस्तों आएंगे प्लगइन्स में। प्लगइन्स के लिए सबसे अच्छा जो फोल्डर है दोस्तों, ओ पहले तो इसका तो ये नहीं बताया दोस्तों, ये जो कार्नाक है दोस्तों, इस कार्नाक का जो एड्रेस है वो एड्रेस जीटहब कोडेक्स कार्नाक रिलीजेस। यहाँ पर जाके आप ये सेटअप वाला ऑप्शन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा दोस्तों, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्लगइन्स फॉर फ्री में जाएंगे, तीसरा वाला, जहाँ पर प्लगइन्स को फ्री में डाउनलोड किया जाता है। जैसे जहाँ से मैं VST2 प्लगइन्स या फिर EQ का प्लगइन्स मैं डाउनलोड करूँगा वो, तो यहाँ पर देखिए ये plugins4free.com आप इधर देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए plugins4free.com, ये वाला ऑप्शन को आपको खोल लेना है ब्राउज़र में जाके। और उसके बाद जो इफेक्ट सेक्शन है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेक्शन और इफेक्ट सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर इफेक्ट सेक्शन में जाना है। और इफेक्ट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर इफेक्ट खुल जाएगा और नीचे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए EQ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं जूम करके फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो EQ है दोस्तों, इस EQ में आपको क्लिक करना होगा। इस EQ में क्लिक करने के बाद EQ वाला जो सेक्शन है वो खुल जाएगा दोस्तों, और इसमें जो बेस्ट रेटेड है उसमें क्लिक करेंगे दोस्तों। ये देखिए, मैं सब डिटेल्स में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो बेस्ट रेटेड है, इस बेस्ट रेटेड को आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो बेस्ट रेटेड में क्लिक करते ही सबसे बेस्ट जो प्लगइन्स रेटिंग में जो बेस्ट है वो आपको सामने आ जाएगा। तो ये जो 7Q 7 बैंड ग्राफिक इक्वलाइजर है, इसी को हम डाउनलोड करेंगे। चलिए इसको हम डाउनलोड करके हम बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा घटपटा सा मामला है, आपको शुरू से देखना होगा। तो इसको यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है Win32 और 64 बिट। ये OS X के लिए भी अवेलेबल है, मतलब मैक के लिए भी अवेलेबल है। तो हमको मैक नहीं चाहिए, हम लोगों को Win32 बिट चाहिए, 64 बिट चाहिए। ये 64 बिट मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए Win64 बिट का जो लिंक है, ये लिंक खुल जाएगा दोस्तों। ये लिंक है,
ज़्यादातर जगह में क्लिक करने से डाउनलोड शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर से ये दूसरे साइट में रिडायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्लिक करेंगे, ये देखिए दूसरे साइट में ये रिडायरेक्ट हो गया, और यहाँ पर आपको लैंग्वेज देना पड़ेगा कौन सा लैंग्वेज चाहिए आपको या फिर। और यहाँ पर देखिए ये जो विंडोज़ वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 64 बिट पहले ही है, तो इस 64 बिट को हम क्लिक करेंगे। ये देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, 1.85 एमबी का है, बहुत ही छोटा सा प्लगइन से, और ये डाउनलोड हो गया दोस्तों। तो इसको कहाँ रखना है वो आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो डाउनलोड हो गया है दोस्तों, वो मैंने एक फोल्डर में रख दिया हूँ, और वो फोल्डर है दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये EQ का एक फोल्डर है, उस फोल्डर में इसको रख दिया। ये देखिए 7Q जो VST है, वो VST डाउनलोड हो गया है। ये ZIP फॉर्मेट है दोस्तों, इसको अनजिप करना पड़ेगा। अनजिप करने के लिए मैं 7Zip यूज़ करता हूँ। 7Zip में जाएंगे और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू EQ करेंगे, तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा एक फोल्डर में दोस्तों। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 7Q DLL फाइल है, ये DLL फाइल ही दोस्तों VST है। अब इस VST को कहाँ प्लेस करना है, कहाँ रखना है, तब जाके OBS में आपको मिलेगा। तो उसके लिए भी आपको दिखा देता हूँ, इसको इस फोल्डर को कॉपी करेंगे हम लोग, इस फोल्डर को कॉपी करेंगे। कॉपी किया और सी ड्राइव में जाएंगे दोस्तों। सी ड्राइव में जाने के बाद ये प्रोग्राम फाइल्स में हम जाएंगे। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद दोस्तों एकदम नीचे आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए VST प्लगइन्स है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये वाला, ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है, ये फोल्डर आपके PC में रहना होगा। अगर नहीं रहे, अगर नहीं है दोस्तों, तो जैसा है VST प्लगइन्स, मतलब VST का V कैप्स में और प्लगइन्स का P कैप्स में बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, ऐसा एक फोल्डर आपको बना लेना होगा। ये फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट तैयार हो जाता है, जब किसी VST को हम इंस्टॉलर VST से इंस्टॉल करेंगे, तो ये VST, ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर बाई डिफ़ॉल्ट तैयार हो जाता है। हम लोग डॉ में काम करते हैं, तो डॉ जब इंस्टॉल करते हैं तभी ये फोल्डर बाई डिफ़ॉल्ट तैयार हो जाता है। लेकिन आपके PC में अगर डॉ नहीं है, अगर आप डॉ के साथ काम नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ये फोल्डर आप बना लेना मैनुअली। इसका नाम यही रखना जो दिया हुआ है दोस्तों, और इसके अंदर वो जो कॉपी किया VST है, उस VST को इसके अंदर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 2 VST दिखा रहा है, मैं इधर पेस्ट कर दूंगा, तो ये 7Q जो VST है वो आ गया दोस्तों। तो दोस्तों मेरा जो VST का काम है वो ख़त्म हो गया, और जो तीनों सॉफ्टवेयर का जो काम था वो ख़त्म हो गया दोस्तों। जूम हो रहा है, कीबोर्ड का जो लेआउट है वो भी अब स्क्रीन में शो हो रहा है दोस्तों, और VST भी इंस्टॉल हो गया है दोस्तों। अब हम खोलेंगे OBS को, और OBS को खोलने के बाद OBS का जो सेटिंग्स है वो हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी टाइम है OBS का, और OBS को हम खोल लेंगे, और खोलने के लिए मैं विंडोज़ में जाऊंगा और यहाँ पर OBS टाइप करूँगा दोस्तों, और ये OBS 64-bit ऐप खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने से OBS खुल जाएगा दोस्तों, थोड़ी देर में OBS खुल जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये दोस्तों OBS मेरा खुल गया है, आप देख सकते हैं OBS खुला हुआ है, और OBS का इंटरफेस जो है वो आप देख सकते हैं। OBS के इंटरफेस के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, क्योंकि OBS जो है दोस्तों, इसको थोड़ा सा क्लिक करने ही, हाँ, OBS का ट्यूटोरियल दोस्तों YouTube में भरा पड़ा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ काम की बात करूँगा, जो इस वीडियो को महत्वपूर्ण बनाता है, जो इस वीडियो को स्पेशल बनाता है, वही काम करूँगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों छोटा छोटा जो चीज़ मैंने अपने सेटिंग के लिए करके रखा हूँ, मैं अपने रिकॉर्डिंग के लिए करके रखा हूँ, वो आपको दिखाऊँगा दोस्तों। तो चलिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो सोर्स है दोस्तों, यहाँ पर नीचे जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 सोर्स यूज़ कर रहा हूँ। एक है वेब, मतलब मेरा जो वेब कैम है, इस वेब कैम को, और दूसरा है डेस्कटॉप, मतलब कौन सा वाला जो सोर्स है वहाँ से वो रिकॉर्ड करेगा, वो है डेस्कटॉप, मतलब वेब कैम से भी ये रिकॉर्ड करेगा दोस्तों, और डेस्कटॉप में क्या चल रहा है वो भी रिकॉर्ड करेगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर दाएं तरफ देखिए, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में यहाँ पर सेटिंग्स दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये जो सेटिंग्स है दोस्तों, इस सेटिंग्स में आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। तो चलिए ये सेटिंग्स में हम जाएंगे, और सेटिंग्स में जाते ही दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स खुल जाता है, ये देखिए सेटिंग्स खुल गया है दोस्तों।
मैं जो जो सेटिंग्स यहाँ पर क्लिक करके रखा हूँ, सेट करके रखा हूँ, वही आप लोग कीजिए। तो लो एंड पीसी में भी आपका जो रिकॉर्डिंग है वो मस्त क्वालिटी का आएगा दोस्तों, और प्रोसेसर भी ज़्यादा उतना खर्च नहीं होगा, मतलब प्रोसेसर के ऊपर भी उतना प्रेशर नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम जनरल में जो है वो उसमें कुछ नहीं करेंगे, स्ट्रीम में भी कुछ नहीं करेंगे, हमको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, इसलिए मैं आउटपुट में जाऊंगा। आउटपुट में जाने के बाद जो आउटपुट मोड है दोस्तों, उस आउटपुट मोड को सिंपल रखिए दोस्तों, और जो ये स्ट्रीमिंग वाला ऑप्शन है, स्ट्रीमिंग वाला ऑप्शन में आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि हमको स्ट्रीमिंग नहीं करना है, हमको सिर्फ रिकॉर्डिंग करना है इसलिए दोस्तों। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम थोड़ा बहुत छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ पर रिकॉर्डिंग पथ ये एडमिनिस्ट्रेटर वीडियोस दिया हुआ है, आप अगर चेंज करना चाहेंगे अपना डिफ़ॉल्ट फोल्डर को छोड़ के दूसरे कुछ फोल्डर में अपना रिकॉर्डिंग्स को रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी ब्राउज करके भी सेटिंग कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो मैं जो डिफ़ॉल्ट है उसी डिफ़ॉल्ट में रखना चाहूँगा, और रिकॉर्डिंग क्वालिटी जो है वो हाई क्वालिटी मीडियम फाइल साइज़ इसको आप रखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, देखिए सेम एज स्ट्रीम करने से क्या होगा दोस्तों, कि ये जब स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग एक साथ करेंगे तो इसका जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर बहुत प्रेशर आएगा दोस्तों, तो इसलिए हाई क्वालिटी करेंगे, ये सीपीयू के अंदर ज़्यादा प्रेशर नहीं देता है। और रिकॉर्डिंग फॉर्मेट जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत सारा फॉर्मेट है, मैं MP4 में रखूँगा, जो YouTube के लिए बेस्ट माना जाता है, जो लोग YouTube में अपलोड करना चाहते हैं स्ट्रीम रिकॉर्डिंग को, वो लोग MP4 कीजिए, मैं तो YouTube के लिए वीडियो बनाता हूँ इसलिए मैं MP4 में रखूँगा। आप अगर चाहे तो दूसरे कुछ फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, MK भी बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है दोस्तों, बहुत ही कम जगह लेता है और बहुत ही मतलब PC फ्रेंडली है ये दोस्तों, मतलब CPU फ्रेंडली है, तो आप MK भी कर सकते हैं, लेकिन मैं MP4 प्रेफर करता हूँ। जो एनकोडर है ये खास है दोस्तों, इस एनकोडर को आप रखेंगे सॉफ्टवेयर X246, दूसरे कुछ में आपको रखना नहीं है दोस्तों। हार्डवेयर QSB भी रख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर X250 लो PC यूसेज प्रेजेंट इंक्रीज फाइल साइज, मतलब ये फाइल साइज़ को बढ़ा देगा, लेकिन CPU का जो प्रेशर है वो ये घटा देगा, लेकिन फाइल साइज़ इसका बढ़ जाएगा दोस्तों। तो हमको YouTube में अपलोड करना है तो थोड़ा बहुत CPU में प्रेशर आएगा इसमें, सॉफ्टवेयर इनकोडिंग में, तो ये झेल लेता है दोस्तों, मतलब लो एंड PC में भी ये अच्छा काम कर लेता है। अगर आप 2-3 प्रोग्राम, मतलब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, भारी भरकम सॉफ्टवेयर में, मतलब ग्राफिक्स का कुछ काम में, एडिटिंग का कुछ सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तब आप सॉफ्टवेयर X264 में मत रखिए, आप ये सॉफ्टवेयर X246 लो CPU यूसेज जो है इसमें आप रख सकते हैं, तब जाके ये PC का लोड कम कर देगा दोस्तों। लेकिन मैं अभी 2-3 सॉफ्टवेयर में नहीं कम कर रहा हूँ, मैं एक ही सॉफ्टवेयर में कम कर रहा हूँ, इसीलिए इसको रखूँगा। तो ये डिटेल में आपको समझा दिया, आप कब कहाँ रख सकते हैं, तो यही दोस्तों ऑप्शन है, बस यही से हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ऑडियो में जाएंगे, ऑडियो में जाने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसको कैसे सेटिंग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो जनरल ऑप्शन है, इसमें सैम्पल रेट 48 जो DVD क्वालिटी होता है वहाँ पर रखा हूँ, और चैनल जो है स्टीरियो है, आप मोनो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं म्यूज़िक ट्यूटोरियल ज़्यादा बनाता हूँ इसलिए मैं स्टूडियो में रखूँगा। स्टूडियो में रखने से पैनिंग का जो साउंड है वो स्टीरियो बन जाता है, मतलब इस कान में और दूसरे कान में अलग अलग साउंड करता है दोस्तों, ये मेरे काम के हिसाब के लिए ठीक है। अगर आपका पैनिंग या फिर स्टीरियो साउंड नहीं चाहिए, मोनो में भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है दोस्तों, आप मोनो कर सकते हैं। अब ग्लोबल ऑडियो डिवाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो लाल रेड कलर का है, यहाँ पर रेड कलर का मतलब ख़राब नहीं है, रेड कलर का मतलब ये एक्टिव है, डिजेबल नहीं है। जो डिजेबल है वो डिजेबल व्हाइट कलर में रहेगा, और जो एक्टिव रहेगा वो रेड कलर में रहेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर। तो डेस्कटॉप ऑडियो, मतलब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कोई डेस्कटॉप का ऑडियो भी सुनाना चाहता है, जो कोई एडिटिंग का काम करते हैं या फिर साउंड के लेके काम करना चाहते हैं, वो लोग डेस्कटॉप में क्या चल रहा है, उसका साउंड कैसा आ रहा है, वो भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कभी कभी। तो इसीलिए डेस्कटॉप का रिकॉर्डिंग भी कैप्चर होना चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए डिवाइस नॉट कनेक्टेड और नॉट अवेलेबल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए स्पीकर USB ऑडियो कोडेक, मैं ये सिलेक्ट करके रखा हूँ
क्योंकि मेरे पास एक ऑडियो इंटरफेस है और राइट ऑडियो इंटरफेस जिसका रिव्यू बहुत दिनों पहले मैं अपलोड करके रखा हूँ, आप आई बटन में देख सकते हैं, इसके ऊपर 2-3 ट्यूटोरियल है मेरा। लेकिन जिसके पास ऑडियो इंटरफेस नहीं है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पर आप जब साउंड रिकॉर्डिंग करेंगे दोस्तों, वो एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ, प्लीज़ आप हेडफोन लगा के साउंड रिकॉर्डिंग कीजिएगा, मतलब डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि अगर आप दो सोर्स यूज़ करना चाहते हैं, मतलब माइक का और स्पीकर का दो अलग अलग सोर्स रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो जब स्पीकर में कुछ बजेगा दोस्तों तो वो माइक, मतलब ये माइक में भी वो कैप्चर हो जाएगा दोस्तों, तो एक थोड़ा सा हमिंग जैसा, एक नॉइज जैसा, मतलब आगे पीछे साउंड होगा, वो सुनने में ठीक नहीं लगता है दोस्तों। तो आपका जो हेडफोन है वो आप कनेक्ट कर लीजिएगा अपना कंप्यूटर के साथ, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपका जो स्पीकर का साउंड है और माइक का जो साउंड है ये क्लैश नहीं होगा दोस्तों, ओवरलैप नहीं होगा। तो यहाँ पर आप स्पीकर हाई डेफिनेशन ऑडियो भी कर सकते हैं, ये विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट माना जाता है, और माइक, ये जो हेडफोन है वो हेडफोन आप पीछे वाले जो हेडफोन जैक है उस हेडफोन जैक में आप लगा के इसको आप सुन सकते हैं, नहीं तो ये क्लैश करेगा दोस्तों। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि स्पीकर से मत सुनिएगा, जो डेस्कटॉप का साउंड है, मतलब पीसी के डेस्कटॉप के ऊपर जो सॉफ्टवेयर के द्वारा कुछ, या फिर मान लीजिए आप वीएलसी में कुछ गाना प्ले कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा वो गाना आप हेडफोन में सुनिएगा और रिकॉर्ड कीजिएगा दोस्तों। तो आप जो स्पीकर हाई डेफिनेशन ऑडियो है इसमें भी आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑडियो इंटरफेस है, इसीलिए मैं ऑडियो इंटरफेस में क्लिक करके रखूँगा, और ये मेरा हेडफोन ऑडियो इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है दोस्तों, तो इसीलिए जो कुछ सुनाई देगा दोस्तों ये मेरा हेडफोन में सुनाई देगा, स्पीकर से कुछ साउंड नहीं आएगा, तो लेकिन ये यहाँ पर जो सुनाई देगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा दोस्तों। दूसरा जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मीडी ऑक्सिलरी ऑडियो, ये वाला ऑप्शन, मतलब ये जब एक्स्ट्रा माइक आपके पीसी के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा माइक अटैच है, ये जो माइक है दोस्तों ये मैं ऑडियो इंटरफेस के साथ कनेक्टेड नहीं किया हूँ, ये डायरेक्ट पीसी के पीछे, मतलब जो रिकॉर्डर वाला जो जैक है उस माइक वाला जैक में इसको मैंने इंसर्ट करके रखा हूँ और उसी से ये रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर इसका ड्राइवर भी आप देख सकते हैं, रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो, देख के आपको समझ में आ जा रहा है कि ये सिंपल सा ड्राइवर है, माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल मदरबोर्ड का ड्राइवर है दोस्तों, ये इंटरफेस का नहीं है। अगर इंटरफेस में करना चाहूँगा दोस्तों तो यहाँ पर जाके फिर से मुझे लाइन यूएसबी ऑडियो कोडेक में क्लिक कर दूंगा, तो जो माइक है दोस्तों इस ऑडियो इंटरफेस के साथ, इसके साथ क्लिक होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटा वाला एक माइक है इधर, आप जूम करके देख सकते हैं इधर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार, देखिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला छोटा वाला एक माइक आपको दिखाई दे रहा है, इसी माइक से ये रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों, इसी वही माइक से ये रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब ये नॉर्मल बोया का माइक है जो ऑडियो इंटरफेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये कंप्यूटर के पीछे माइक जैक में ये कनेक्टेड है दोस्तों। तो ये दोनों सोर्सेस से आप OBS में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब डेस्कटॉप में जो बजेगा वो स्पीकर के थ्रू, मतलब इस हेडफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब वो डेस्कटॉप से क्या कैप्चर करेगा इस ड्राइवर से, स्पीकर ऑडियो कोडेक से, या फिर रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो से ये वाला, और जो माइक में बोला जाएगा वो ऑक्सिलरी जो ड्राइवर है उस ड्राइव से अलग से ये माइक को कैप्चर करेगा दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो क्लैरिटी है वो बढ़ जाता है, मतलब माइक का अलग से और स्पीकर का अलग से, डेस्कटॉप का अलग से, तो इसके लिए इसका क्लैरिटी जो है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है और प्रोफेशनल तरीके का एक वीडियो बनता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपके पास और सोर्सेस भी है, मतलब आप दूसरे कुछ सोर्सेस भी यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो कर सकते हैं। यहाँ देखिए माइक ऑक्सिलरी ऑडियो 3, माइक ऑक्सिलरी ऑडियो 4, ये सब है, डेस्कटॉप ऑडियो 2, मतलब डेस्कटॉप का भी आप कर सकते हैं, जिस पोर्ट में वो मिलेगा दोस्तों ऑक्सिलरी पोर्ट में वो एक्टिव हो जाएगा ऑलरेडी दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये 1 वाला एक्टिव है और ये ऑक्सिलरी 2 एक्टिव है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको करके रखा हूँ और माइक ऑक्सिलरी ऑडियो इसको मैंने डिसेबल कर दिया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये गया कैसे सेटिंग्स करना है, साउंड सेटिंग्स और वीडियो का जो सेटिंग्स है वो कैसे करना है, और एक चीज़ मैं वीडियो में जाऊँगा, वीडियो में जाने के बाद आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर देखिए जो
बेस कैनवास रेजोल्यूशन है वो देखिए, यह एक्सेप्ट रेशियो 60:9, मतलब ये हाई डेफिनेशन है और फुल स्क्रीन में रिकॉर्ड होगा दोस्तों। और आउटपुट स्केल्ड है दोस्तों, ये जो है इसको आपको ये 16:19 भी रखना है, मतलब जो बेस कैनवास है उसी के हिसाब से रखना होगा। इसके इससे क्या होगा, स्केल नहीं होगा दोस्तों, और जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आता है। आप ये सेटिंग्स करके रखिएगा दोस्तों, और उसको सिंपली अप्लाई और ओके कर दीजिए, आपका सेटिंग्स OBS का कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ये देखिए माइक ऑक्सिलरी 2 जो है वो एक्टिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा वॉइस मीटर है वो यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहा है, और अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है दोस्तों ऑक्सिलरी 2 वाला। तो और दूसरा जो है वो मैंने डिजेबल करके रखा हूँ, इसीलिए यहाँ पर वो नहीं दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पर इसको मैं काट दे ऑफ कर दूंगा दोस्तों। ये वेबकैम से कनेक्ट है दोस्तों, और वेबकैम का ऑडियो भी ये रिकॉर्ड कर सकता है, इसके लिए इसको मैं ऑफ कर दिया हूँ। अब देखिए डेस्कटॉप का ऑडियो में कुछ शो नहीं कर रहा है। क्यों शो नहीं कर रहा है दोस्तों? क्योंकि डेस्कटॉप में कुछ बज ही नहीं रहा है। डेस्कटॉप में कुछ बजेगा तो दोस्तों ये शो करेगा। तो चलिए डेस्कटॉप में हम आपको बजा के सुनाते हैं कुछ, और यहाँ पर दिखाते हैं कि डेस्कटॉप का जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड करता है कि नहीं। तो दोस्तों हम लोग जाएंगे उस फोल्डर में जाएंगे, और वहाँ पर से कुछ प्ले करके आपको सुनाएंगे कि वो डेस्कटॉप का जो साउंड है वो रिकॉर्ड होता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर ये वाला जो फाइल है इस फाइल को हम क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करके इसको प्ले करके हम सुनेंगे दोस्तों। तो इसको मैंने पॉज कर दिया, अभी मैं OBS में जाऊँगा दोस्तों। OBS में जाने के बाद उसको प्ले करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप उसका रिस्पॉन्स सुन सकते हैं। चलिए इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, छोटा करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्ले करते हैं तो यहाँ पर Zoomit का जो फोल्डर है वो खुल जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर फ्री डाउनलोड में जाके आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। इसका साउंड में घटा दिया हूँ ताकि जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ वो क्लैश नहीं हो जाए दोस्तों। और ये जो साउंड है दोस्तों ये वो फ्रंट स्पीकर से ये नहीं आ रहा है दोस्तों, ये मेरा हेडफोन से आ रहा है, इसीलिए स्पीकर के साथ ये माइक का कुछ क्लैश नहीं हो रहा है दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स करेगा। इसका जो मतलब जो बोल रहा हूँ, जो डेस्कटॉप में जो ऐप्स चल रहा है, जो मीडी प्लेयर चल रहा है, उस मीडी प्लेयर में जो साउंड है दोस्तों उस साउंड को ये अच्छी तरह से कैप्चर करें। आप रिस्पॉन्स जो रेट है, जो रिस्पॉन्स का मीटर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। सॉरी दोस्तों, ये कारनाक आपको डाउनलोड करना होगा। इससे क्या होता है दोस्तों, आप कीबोर्ड में जो टाइप करेंगे वो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन में शो। देखिए दोस्तों मैं म्यूट कर दिया हूँ तो यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। फिर से मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये रिस्पॉन्स करने लगेगा दोस्तों। जाएंगे इसमें, और यहाँ पर ये कारनाक है दोस्तों, ये कारनाक का जो साइट है ये साइट खुल गया है अभी। और यहाँ पर देखिए डाउनलोड फॉर विंडोज़ में हम नहीं जाएंगे दोस्तों, हम गेट ओपन सोर्स में जाएंगे, और ओपन सोर्स में जाने के बाद ये एक ऑप्शन खुलेगा। और यहाँ पर देखिए ये जो रिलीज़ है, इस रिलीज़ में तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, अब मैं इसको बंद कर दिया हूं दोस्तों। तो देखिए यहां पर कुछ डेस्कटॉप ऑडियो में कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है दोस्तों। अगर मैं साउंड में जाके यहां पर कुछ चेंज करूंगा तो देखिए जो साउंड सुनाई दे रहा है वो माउस क्लिक का साउंड, तब ये रिस्पॉन्स कर रहा है। और साउंड थोड़ा बढ़ाने और घटाने के बाद जो एक ट्रिंग का साउंड आता है, मतलब रिस्पॉन्स का साउंड आता है कि चेंज हुआ, तो उसका साउंड भी आपको सुनाई दे रहा है दोस्तों, मतलब तब ये रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब डेस्कटॉप में जो बजेगा वो रिकॉर्ड करेगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा फीचर्स है ये, और ये फीचर्स बहुत ही महंगे से महंगा पेड जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, उस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में भी ये नहीं आता है दोस्तों। ये एक एडवांस्ड फीचर है OBS का, और OBS इसीलिए सबको पसंदीदा और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना जाता है दोस्तों। तो ये गया दोस्तों इसका ट्यूटोरियल। आप 2, 3, 4 कितने भी ऑडियो सोर्सेस से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मैं 2 ऑडियो सोर्स को सिलेक्ट करके रखा हूँ, एक डेस्कटॉप ऑडियो, दूसरा है माइक ऑडियो ऑक्सिलरी 2। इसी दोनों सोर्स से मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और एक दूसरे के साथ कोई क्लैश भी नहीं हो रहा है। 2 अलग अलग ऑडियो रिसोर्स से ऑडियो कैप्चर करने का मतलब होता है दोस्तों आपका जो ऑडियो का क्वालिटी है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बनता है, क्लीन ऑडियो बनता है दोस्तों, और प्रोफेशनल एक वीडियो बनता है। आपका जो ट्यूटोरियल होगा या फिर आपका जो वीडियो होगा वो एक बेहतरीन प्रोफेशनल क्वालिटी का वीडियो बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी जाएंगे इसका मेन पार्ट में, मतलब इसका VST पार्ट में, और वो आपको देखना होगा क्योंकि
वो अगर आप एक बार जान जाएंगे तो दोस्तों, तो आपका एडिटिंग के टाइम बहुत बड़ा हेडेक कम हो जाएगा। आप रिकॉर्डिंग की टाइम ही डिनॉइज कर सकते हैं और इक्वलाइजर कर सकते हैं। तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ दोस्तों, और एक बोनस टिप आपको दूंगा इसके साथ। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते उस वाले वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों अभी रिकॉर्ड हो रहा है OBS स्क्रीन रिकॉर्डर में, आप देख सकते हैं OBS स्क्रीन रिकॉर्डर, और इधर OBS रेड कलर में है, और इधर स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी तक मेरा जो वेबकैम का व्यू था दोस्तों, वो यहाँ पर था, मतलब यहाँ पर वो राउंड कलर्स राउंड शेप में था। इसमें दोस्तों राउंड शेप में नहीं होता है, इसमें दोस्तों चेंज होता है वो ऐसे। चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ, इसको अगर चेंज करूँगा तो ये देखिए, ये यहाँ से चेंज हो रहा है, मतलब आपको प्रूफ मिल रहा है कि यहीं से ये रिकॉर्ड हो रहा है। और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया हो दोस्तों। तो अभी हमको VST को इधर इंस्टॉल करके आपको दिखाना है। सबसे पहले क्या करूँगा, इसको जूम इन जूम आउट जो ऑप्शन है उसको ऑन करना होगा दोस्तों। जूम इन जूम आउट के लिए क्या करना होगा दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले वो दो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया था, एक है जूमिट और दूसरा है करनाक। जूमिट स्क्रीन को जूम करने के लिए यूज़ होता है दोस्तों, और करनाक कीबोर्ड में कुछ लिखने के लिए उसका जो शॉर्टकट की है, या फिर कुछ भी आपको दिखाना है अगर रिकॉर्डिंग के दौरान, तो उसके लिए यूज़ होता है। दोनों ही जो OBS है, OBS का पार्ट नहीं है दोस्तों, ये अलग से इंस्टॉल किया, लेकिन ये OBS के साथ काम करता है, ये आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप डाउन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ठीक यहाँ पर ये जूमिट है दोस्तों, इसको क्लिक करेंगे और ये जूमिट आ गया दोस्तों। इसको डबल क्लिक करके खोल लेंगे एक बार, और ये जो ऑप्शन है, ये थ्री वाला ऑप्शन है, मतलब थ्री टाइम्स इसको जूम करेगा दोस्तों। ओके कर देंगे, और कर्नाक को भी एक बार खोल लेंगे दोस्तों। कर्नाक को यहाँ पर क्लिक करेंगे और कर्नाक ओपन हो जाएगा। और कर्नाक ओपन होने के बाद और एक सेटिंग्स करना है आप लोगों को, वो है कर्नाक को यहाँ से क्लिक करना है और कर्नाक इधर खुल जाएगा। तो दोस्तों कौन से वाले एरिया में आप अपना टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं वो दिखाना है, चलिए उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको सेव करेंगे दोस्तों। एक बार सेव करना होता है खोलने के बाद, ये सेव करेंगे और इसको हम काट देंगे। तभी अभी मैं कुछ भी लिखूँगा दोस्तों, तो देखिए ये बीच में यहाँ पर लिखा आ रहा है दोस्तों। तो हो गया, अब जूम इन करके अगर दिखाएंगे आपको, चलिए यहाँ पर हम जूम इन करते हैं, तो देखते हैं जूम इन होता है कि नहीं। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, जूम हो गया दोस्तों, मतलब ये स्टॉप रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से हम कंट्रोल और वन दबाएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस वन। तो ये तो मतलब OBS स्टूडियो में दोस्तों, आप जूम इन जूम आउट और कीबोर्ड शॉर्टकट इसका आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हो रहा है दोस्तों। ये अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, और मेरा सोशल साइट फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अगर आप चाहे कि मुझे फ़ोन करके समझना है एक बार दोबारा, तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये तो हो गया, अभी एक चीज़ मैं यहाँ पर VST को कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको दिखाऊंगा। तो देखिए चलिए यहाँ पर देखिए, ये वाला ऑप्शन में जो मिक्स ऑक्स टू है, मतलब मेरा माइक जो है, यहाँ पर मैं एक इक्वलाइजर लगाना चाहता हूँ, मैंने इक्वलाइजर जो VST है उसको अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कैसे आप वहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं वो आप देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक थ्योरी होने वाला है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैं जूम करके पहले आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक थ्री डॉट है, यहाँ पर ये थ्री डॉट, ये ऑक्सिलरी का ऑप्शन में ये थ्री डॉट, इस थ्री डॉट में दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये फिल्टर है दोस्तों, इस फिल्टर में आपको क्लिक करना होगा, दूसरे कुछ जगह पे जाना नहीं है, इस फिल्टर में क्लिक करना है। और फिल्टर के बाद यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, ब्लैंक स्क्रीन है एकदम। अभी देखिए यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन है नीचे, ये जो ऑडियो फिल्टर है ठीक इस पैनल के नीचे एक प्लस का ऑप्शन है, इस पैनल में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारा कंप्रेसर, एक्सपेंडर, गेन, ये सब VST है दोस्तों, ये डिफ़ॉल्ट VST है, ये OBS का VST है दोस्तों। इस VST का ट्यूटोरियल शायद ही आपको यूट्यूब में मिल जाए, लेकिन ये बहुत ही काम का चीज़ है। मैं आज तक किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर में ये वाला फंक्शन नहीं देखा हूँ दोस्तों, मतलब ये
एक्सट्रीम एडवांस्ड फंक्शन से फैसिलिटी है इस OBS का। तो चलिए हमको VST2 प्लगइन्स लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एकदम नीचे VST2X प्लगइन्स है, यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो VST का नाम है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसका नाम दूंगा EQ। तो यहाँ पर EQ दे दिया और कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये EQ आ जाएगा दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर EQ आ गया है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्लीज़ सिलेक्ट प्लगइन, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ सिलेक्ट ए प्लगइन और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन मेनू, आप इस ड्रॉप डाउन मेनू में सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए वो वाला जो 7Q प्लगइन, मैं उधर मतलब VST प्लगइन सी प्रोग्राम फाइल्स VST प्लगइन्स के अंदर जो फोल्डर डाला था, जो डाउनलोड किया था VST को, वही VST यहाँ पर शो कर रहा है दोस्तों। तो इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये 7Q प्लगइन आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए ये प्लगइन का इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, जैसे आप ये आप सुन लीजिएगा दोस्तों कौन सा वाले में आपको अच्छा साउंड देता है। तो चलिए इसको मैं मेरा जो वॉइस है दोस्तों इसमें लो वॉइस ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसका बेस को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा बेस को बढ़ाऊँगा दोस्तों, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और मिडिल को भी थोड़ा सा बढ़ाऊँगा दोस्तों, थोड़ा करके इसको बढ़ा दूँगा और इसको अभी यहाँ से इसको काट देंगे दोस्तों। तो ये एक प्लगइन अप्लाई हो गया है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक डीनॉइज़र भी लगाएंगे दोस्तों, मतलब नॉइज़ कैंसिलेशन के ऊपर एक VST है, डिफ़ॉल्ट VST है OBS का, वो लगाएंगे दोस्तों। तो फिर से मैं यहाँ पर प्लस बटन में आऊँगा और यहाँ पर देखिए नॉइज़ सप्रेशन, ये नॉइज़ सप्रेशन को इधर कर देंगे और इसका नॉइज़ सप्रेशन ही नाम रखेंगे, ओके कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पर ऑलरेडी नॉइज़ सप्रेशन आ गया है दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने से लो CPU यूसेज लो क्वालिटी, इसमें क्लिक करेंगे और नॉइज़ का सप्रेशन कितना करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे यहाँ से दोस्तों। ये -30 dB लेता है फिलहाल के लिए, इसको एक बार ऑन ऑफ करके हम सुनेंगे कि ये कैसे साउंड को नॉइज़ को डिटेक्ट और EQ का काम भी हो रहा है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए पहले दोनों जो प्लगइन्स है इस प्लगइन्स को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ये आई बटन में क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा दोस्तों, ये भी नॉइज़ सप्रेशन को भी ऑफ़ कर दूंगा। तो दोस्तों अभी कोई भी इक्वलाइज़र और नॉइज़ सप्रेशंस नहीं हो रहा है दोस्तों, मतलब डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स था उस सेटिंग्स में VST के अलावा VST को छोड़ के जो साउंड क्वालिटी है वो आप सुन रहे हैं दोस्तों। अभी इसको ऑन करूंगा, पहले EQ को ऑन करूंगा दोस्तों। चलिए EQ को ऑन कर लिया, अभी EQ ऑन है और मेरा जो वॉइस क्वालिटी वो चेंज हो रहा है कि नहीं आप लोग सुन सकते हैं। प्लीज़ ये वीडियो हेडफोन लगा के सुनिए ताकि ये जो साउंड का जो चेंजेस है वो आप ठीक तरीके से सुन सकें। तो अभी नॉइज़ जो सप्रेशन है इसको भी ऑन करूँगा दोस्तों और सुनेंगे नॉइज़ कितना ये रिड्यूस कर रहा है। तो चलिए इसको भी हम क्लिक कर दिया, अब देखिए दोस्तों आप जो सुन रहे ये नॉइज़ सप्रेशन के मदद लेके नॉइज़ सप्रेस्ड होके आपको सुनाई दे रहा है दोस्तों। एक बार मैं 5 सेकेंड के लिए चुप कर जाता हूँ, नॉइज़ को कैंसिल कितना कर रहा है वो भी सुनना है मुझे। तो दोस्तों आई थिंक 7-8 सेकेंड हो गया है, तो अभी आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नॉइज़ कितना ये सप्रेस कर रहा है। फिर से इसको मैं ऑफ़ करूँगा, ऑफ़ कर दिया और इसको भी ऑफ़ कर दिया। अभी आप जो सुन रहे हैं वो VST के छोड़ के, इस तरीके से आप प्लगइन्स VST प्लगइन्स को इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं ऑन रख देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए और इसको क्लोज़ कर देंगे। तो दोस्तों ये जो VST ये काम करता रहेगा, अगर आपको ज़रूरत नहीं है VST को लेके, आपको कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आपको कुछ चेंजेस आपको चाहिए होता है, तो फिर से आप जाएंगे इस बटन में क्लिक करेंगे, फिल्टर्स में जाएंगे और यहाँ पर जो है EQ में जाएंगे और ओपन प्लगइन इंटरफेस करेंगे तो दोस्तों ये इंटरफेस खुल जाएगा, इसको आप काट सकते हैं। और नॉइज़ सप्रेशन में जाएंगे तो दोस्तों ये मीटर दिखा रहा है, यहाँ से आप इसको घटा या कमा सकते हैं। मैं 8-8 dB कर दिया हूँ, अभी -0 dB है और डिफ़ॉल्ट ये -30 dB लेता है।
तो -30 dB में इसको रख के छोड़ दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट बोनस वाला टिप में, जिसके लिए आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो चलिए वो वाला टिप्स क्या है वो भी आज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं उस वाले टिप्स में। और ये बोनस टिप है दोस्तों, देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आप जब डेस्कटॉप में से कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर चलते हुए आप डेस्कटॉप में कोई म्यूज़िक प्ले हो रहा है, या फिर आप डॉ में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ म्यूज़िक के बारे में आप ट्यूटोरियल दे रहे हैं, तो उसके लिए डेस्कटॉप का साउंड सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो डेस्कटॉप को आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या होता है कि आपको कान में जब आप प्ले कर रहे हैं, मतलब डॉ में जब काम कर रहे हैं, तो आपका कान में ठीक ठाक सुनाई दे रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग का टाइम आप रिकॉर्ड करने के बाद आप जब सुनेंगे तो वो वॉइस रिड्यूस हो जाता है। माइक का वॉइस ठीक रहता है, लेकिन जो बज रहा है कंप्यूटर में वो उसका साउंड, उसका वॉल्यूम लो हो जाता है, मतलब एडजस्ट नहीं होता हो पाता है कि कैसे ये कैसे हो गया। मतलब माइक लाउड हो जा रहा है, म्यूज़िक जो कंप्यूटर में बज रहा है वो लो हो जा रहा है, मतलब उसको आपको मैनुअली जाके एडिटिंग के टाइम पे अलग अलग पॉइंट लेके उसको बढ़ा के एडजस्ट करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों एक बहुत ही साधारण सा हल है OBS के अंदर, तो चलिए वो आप दिखा देते हैं कैसे डेस्कटॉप का जो वॉल्यूम है, मतलब कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप में जो म्यूज़िक प्ले होगा या फिर दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर से कुछ साउंड प्ले होगा, उस साउंड का वॉल्यूम को कैसे बूस्ट करना है, उसका ये एक छोटा सा प्लगइन से छोटा सा ट्यूटोरियल है, वो आप देख लीजिए, ये बोनस टिप है दोस्तों। तो चलिए ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप ऑडियो, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, ये डेस्कटॉप ऑडियो आपको दिखाई दे रहा है। इस डेस्कटॉप ऑडियो में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर भी एक 3 डॉट्स है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप ऑडियो के ऊपर, मतलब ऑक्सिलरी माइक का नहीं, डेस्कटॉप ऑडियो के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी फिल्टर्स है दोस्तों, यहाँ पर ये फिल्टर्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों एक बूस्ट 11 कह के एक प्लगइन्स दिया हुआ है दोस्तों। इस प्लगइन्स ऐड करने का तरीका सेम है दोस्तों, यहाँ पर जाना है, जाने के बाद VST2 प्लगइन्स में जाना है, जाने के बाद यहाँ पर नाम देना है और यहाँ से बूस्ट 11 सिलेक्ट कर देना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, बूस्ट 11 को इस वाले फोल्डर में रहना होगा, ये जो ऑप्शन है सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, और प्रोग्राम फाइल्स के बाद यहाँ पर देखिए नीचे में ये VST प्लगइन्स, इसमें देखिए बूस्ट 11 जो फोल्डर है इसके अंदर वो वाला VST है दोस्तों, बूस्ट 11 _64.dll, ये वाला VST को इस फोल्डर में रखना होगा, ज़रूरी है दोस्तों ये, नहीं तो वहाँ पर वो ढूंढ नहीं पाएगा उसको। तो इसको यहाँ पर लाने के लिए वहाँ पर वो फोल्डर होना ज़रूरी है दोस्तों। तो इसको मैंने ऑन करके ऑफ करके रखा हूँ, तो इसको मैं पहले ऑन कर दूंगा, ये ऑन हो गया दोस्तों। और ओपन प्लगइन इंटरफेस में जाएंगे तो दोस्तों ये देखिए ये ऑप्शन आ गया दोस्तों। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये जितना ज़्यादा आप जोर करेंगे, जितना ज़्यादा घटाएंगे तो ये साउंड बढ़ेगा घटेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक म्यूज़िक को प्ले करते हैं। चलिए ई ड्राइव में म्यूज़िक में जाएंगे, और म्यूज़िक में जाने के बाद हम लोग फ्री म्यूज़िक में जाएंगे, और यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर कुछ भी चला देते हैं, वैली ब्लास्ट इसको ही सुनते हैं। ऑलवेज एंड टॉप है इधर, ऑलवेज एंड टॉप ऑन टॉप, यहाँ पर ऑलवेज कर देते हैं दोस्तों, ये अभी जाएगा नहीं, ऑलवेज एंड टॉप कर देने से ये कोडेक रह जाता है इधर। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, ऑन और ऑफ करके पहले प्लगइन्स को छेड़खानी करके देखेंगे ये हो रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको हम प्ले करते हैं, ये प्ले कर दिया दोस्तों, we'll be right back।
तो दोस्तों आपने देख लिया इसको घटा के बढ़ा के कैसे साउंड का चेंज हो रहा है दोस्तों। अब इसको ऑन ऑफ करके देखेंगे। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता है वो दोस्तों, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ बस। अब इसको यहाँ से काट देंगे दोस्तों, इसको प्ले करेंगे और इसको ऑन ऑफ करके एक बार सुनेंगे कि ये साउंड को ठीक ठाक दे रहा है कि नहीं। ऑफ करके, ऑन करके, तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कैसे इस प्लगइन का मदद लेके हम लोग जो डेस्कटॉप का साउंड है उसको हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, ये बाय चांस है दोस्तों। अगर आपका डेस्कटॉप का साउंड ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, उसका साउंड लो हो जा रहा है, तब आप ये ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही फायदे का ट्रिक्स है दोस्तों। और इक्वलाइजर के बारे में बोलेंगे दोस्तों, इक्वलाइजर दो चार बार आप उसका जो पैरामीटर है उसको ऊपर नीचे करके दो चार बार ट्राई करके आप देख लीजिए किस पैरामीटर में सेट करके आपका जो वॉइस है वो अच्छा सुनाई दे रहा है, तो उस पैरामीटर में आप उसको सेट करके उसको सेव कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगा। जो OBS में स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो लोग यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऑप्शन मैंने आपको दे दिया हूँ, इसमें आप कैसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इसमें कैसे कीबोर्ड स्ट्रोक, यहाँ पर देखिए जो कीबोर्ड स्ट्रोक है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसके अंदर नॉइज़ सप्रेशन कैसे कर सकते हैं, और इसके अंदर वॉइस का जो इक्वलाइजर है उसको मदद लेके आप अपना वॉइस को कैसे क्रिस्पी और भड़कम भारी आवाज़ बना सकते हैं, और कैसे डेस्कटॉप का साउंड को कमा या बढ़ा सकते हैं, ये पूरा ट्यूटोरियल आज था दोस्तों। तो जो लोग मेरे इस चैनल में नए हो दोस्तों, वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्त लोगों में ये वीडियो शेयर कर देना, किसी ना किसी को तो इस वीडियो से हेल्प हो जाएगा दोस्तों। जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्द आप लोगों के पास पहुँचे। और इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, टेक्निकल वीडियो जो आपके आई होप आपके काम में आता है दोस्तों। आप लोग कमेंट कीजिए मेरे इस चैनल में इस ट्यूटोरियल से किसका किसका मदद हुआ और कौन कौन ये चीज़ जानता था, वो लोग ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखना मिलता है दोस्तों। आप लोग प्रॉब्लम दीजिएगा मुझे तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।